हेलो एवरीवन, सो आज हम पढ़ेंगे कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम रेशियो कैसे निकाला। तो थॉमसन ने क्या किया, एक ट्यूब ली, ये कैथोड रे ट्यूब ली, ऐसे एक्सटेंडेड ली और एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पर उसने होल बना दिया था, एक दिस होल। तो यहाँ से होल से पास हुई, तो हुआ क्या, ये ऐसे स्ट्रेट गई। लेकिन जब उसने ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव फील्ड, ऊपर और नीचे, तो हुआ क्या, ये रे ऊपर की तरफ ऐसे चली गई। इसको यहाँ पर टकराना था, उसको इस जगह पे टकराना था इनिशियली, बट आफ्टर मैग्नेट, आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो ये देखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। अब क्या किया, थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। अब वो कैसे लगाई, वो आप आगे जाके पढ़ोगे। उसने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, अभी के लिए ऐसे समझ लो, सपोज ये ट्यूब है, इसका फ्रंट व्यू है ये। अगर आप ट्यूब को ऐसे देखोगे तो थोड़ा ऐसा दिखेगा, ठीक। तो फिर यहाँ पर उसने ऐसे करके एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी थी, यहाँ पर मैग्नेट्स लगाकर। तो जब उसने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो हुआ क्या, ये सीधे जाने की बजाय से नीचे की तरफ चली गई, ठीक। अब क्या हुआ, उसने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगा दी। व्हेन ही अप्लाइड बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ही फाउंड नो डिफ्लेक्शन। मतलब इस बार जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगाई तो ये उसने स्ट्रेट हो गई। स्ट्रेट कैसे, उसने एडजस्ट की, उसने ऐसे एडजस्ट की कि वो स्ट्रेट जाए, ओके। उसने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट किया, मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया और ऐसे सेट किया कि वो स्ट्रेट जाए, वो कहीं झुके ना, ऐसे तरीके से उसने उसको स्ट्रेट पहुंचाया। अब उसने कैलकुलेशन स्टार्ट किया, जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्या करती थी, मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करती थी, ठीक। या आप आगे जाके पढ़ोगे सेंट्रिपिटल फोर्स की कंसेप्ट, सेंट्रिपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कंसेप्ट, जहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जाता है तो वो सर्कुलर पाथ में ले जाने वाला फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। उसका फॉर्मूला होता है mv² / r। r होता है रेडियस, m होता है मास, v होता है वेलोसिटी, इज इक्वल टू b मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू e इनटू कैपिटल v। ये सब आएगा आपके आगे सिलेबस में। और यहाँ पर दूसरे साइड उसने मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे सेट किया था कि वो बराबर हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हैं तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स भी बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है E इंटू कैपिटल ई, वेयर कैपिटल ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज़ इक्वल टू कैपिटल बी इंटू ई इंटू वी, कैपिटल वी। तो ये से कट गया, तो कैपिटल वी हो गया तुम्हारा कैपिटल ई अपॉन बी। इसको इधर रख दिया, इसको इधर मैंने रख दिया, तो ये हो जाएगा mv² / r इज इक्वल टू बी वी कैपिटल ई इंटू कैपिटल बी। ये याद रखना कि ये वाला वी और ये वाला बी अलग अलग हैं, इनको सेम मत मान लेना, ठीक। तो इनको रखा, तो फिर उस केस में क्या हुआ, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पर ही निकाल लिया और इस तरफ से इन्होंने E अपॉन M निकाल लिया। E अपॉन M होता है चार्ज अपॉन मास रेशियो, E बाय M रेशियो, इसको कहते हैं चार्ज अपॉन मास रेशियो, ठीक। तो ये इन्होंने ऐसे निकाला और ये ऐसे किया इन्होंने V अपॉन BR, ऐसे निकाला, ठीक।
वी अपॉन बी आर। अब यहाँ पे इस वाले में वैल्यू रख दी तो ई बाय एम हो गया कैपिटल ई अपॉन बी स्क्वायर आर, सॉरी ये कैपिटल आर है, आर बी स्क्वायर। तो थॉमसन को तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है क्योंकि थॉमसन ने ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट की थी, थॉमसन को इसकी वैल्यू पता है, थॉमसन को मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू पता है और आर थॉमसन ने कैलकुलेट कर लिया। तो अब तुम बताओ ई बाय एम रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा, जब उसे इन सब की वैल्यू पता है तो ई बाय एम रेशियो वो कैलकुलेट कर लेगा। तो ऐसे उसने ई बाय एम रेशियो कैलकुलेट कर लिया और ई बाय एम रेशियो इलेक्ट्रॉन का कितना था, वो था 1.76 × 10⁻¹ⁱ कूलाम पर केजी। इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, आगे जाके मैं बताऊंगा इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है और ये भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकला। अब हमारे पास ई बाय एम रेशियो भी है, हमारे पास चार्ज की भी वैल्यू थी, निकल आई थी, तो मास तो पता चल ही जाएगा ना। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसने चार्ज कैसे निकाला, लेकिन चार्ज थॉमसन ने नहीं मिल्टन ने निकाला था।